Deputy CM and Education Minister, Department of Education, here, Manish Sisodia. Thank you, ma'am. Sabko namaskar. Namaskar. क्या हो गया? ज़्यादा interesting था? या ज़्यादा boring था? इतना डूब गए? चलिए फिर से नमस्कार करते हुए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ कि आज एक बार फिर हम साथ बैठे हैं और एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम के इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में इतनी बड़ी संख्या में कितने लगभग आज 3600 करीब 3500 से ज़्यादा हमारे शिक्षक और एचओएस साथी विद्यालय प्रमुख साथी यहाँ पे हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारी, एससीआईटी के अधिकारी और बाकी टीम यहाँ पर है और एक बहुत बड़े रिफॉर्म का ओरिएंटेशन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। मैं इसको ट्रेनिंग नहीं कहता हूँ क्योंकि आप सबके इतने लंबे अनुभव के बाद आपने अपनी पूरी जिंदगी स्कूलों में बिताई है, क्लासरूम्स में बिताई है, बच्चों से संवाद में बिताई है और अपने अपने विषय को पकड़ के बच्चों के मन तक ले जाने में बिताई है। उस सब के बीच एक नया सब्जेक्ट लाके उसको पढ़ाने की आपको कोई ट्रेनिंग दे देगा उसकी संभावना, उसकी जरूरत नहीं है। आप सब पहले से शिक्षक हैं और शिक्षक को कोई शिक्षा देना सिखाएगा, मुझे उस पर थोड़ा सा आपत्ति भी रहेगी अगर कोई कहेगा, मुझे संभावनाएं भी नहीं दिखती क्योंकि जो काम आप पिछले इतने लंबे साल से कर रहे हैं। लेकिन ओरिएंटेशन जरूरी है कि ये नया कार्यक्रम क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप कार्यक्रम, इसका इंटेंट क्या है, इसके प्रोसेसेस क्या रहेंगे, इस पर चर्चा करना, इस पर इसको एक बार समझना जरूरत पड़ेगी। छोटे छोटे ग्रुप्स में और बैठने की जरूरत पड़ेगी और अभी तो शुरुआत कर रहे हैं, साल में बीच बीच में जब जरूरत पड़ेगी साथ में मिलकर इसको और समझेंगे। पर यहाँ जो बात अभी चल रही थी, जो इस नेट स्किट के माध्यम से प्रस्तुत के कही जाने के बाद कुछ बात तो है, ये एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम में कुछ बात तो है, नहीं हमारे बच्चों को भी लग रहा है कुछ बात तो है, पार्टिसिपेंट को लग रहा है सबको। मैं अपनी तरफ से बोल देता हूँ क्योंकि ये प्रोग्राम कह सकते हैं कि मेरे इनिशिएटिव पे शुरू हुआ और मुझे लगा इसकी जरूरत है। क्यों ऐसा लगा मुझको, कहां से इसका ड्राइविंग फोर्स आता है और मैं लगभग तीसरे दिन इस बात को दोहरा रहा हूं, पर ओरिएंटेशन के लिए हमें और आपको उसको समझने की एक बार जरूरत है। हम सब अपने अपने बच्चों को आजकल पढ़ा रहे हैं, आप भी पढ़ा रहे हैं हमारे बच्चों को, अपने बच्चों को सबको स्कूल में, और हम बोलते हैं कि भारत एक विकासशील देश है, बोलते हैं ना। तीन तरह के देश होते हैं, विकसित देश और विकासशील देश और अविकसित, विकसित विकासशील और अविकसित, डेवलप्ड डेवलपिंग और अनडेवलप्ड, जो भी उसको शब्द हम देते हैं। ये बात आज हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे बता दो, कुछ और बदल गया हो मैं पाठ्यक्रम से, हो सकता है इतना अपडेटेड ना हो। अभी हम इंडिया में पढ़ा रहे हैं ना पढ़ा रहे हैं कि भारत एक विकासशील देश है। जब हम पढ़ते थे तब हमें पढ़ाया जाता था कि नहीं पढ़ाया जाता था, 20 साल पहले, 25 साल पहले, अपने अपने एज के हिसाब से सोच लीजिए, जब हम स्कूलों में थे हमको तब भी यही पढ़ाया जाता था, तीन तरह के देश है, भारत विकासशील देश है, कुछ दुनिया में विकसित हो चुके हैं, भारत विकासशील है। हम जैसे स्टूडेंट कभी पूछते थे जी कितने दिन लगेंगे विकसित होने को, 10-15 साल की बात, भारत तेजी से बढ़ता है, अविकसित के ब्रैकेट से निकलाए हैं, विकासशील में है और बस 10-15 साल में भारत विकसित होने वाला है। ये हम ही अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, हमसे पहली जनरेशन ने भी अपने बच्चों को यानी हमको और आपको ये पढ़ाया था। और अगर आप अपने पेरेंट्स से जाकर पूछेंगे तो उस जनरेशन ने भी उनको यही पढ़ाया था, भारत विकासशील देश है, 10-15 साल में विकसित होने वाला है। इस बीच में जापान जैसा देश जिसके पुर्जे को तबाह होने में दूसरे विश्व युद्ध में कोई कसर नहीं बची थी, वो कहीं से निकल के अविकसित से विकासशील होता हुआ विकसित हो गया। दुनिया के और बहुत सारे राष्ट्र अविकसित से शुरू करके विकासशील होते हुए
विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में जाकर शामिल हो गए और आज हम बाकायदा अपनी सोशल साइंस में उनको पढ़ाते हैं कि विकसित राष्ट्र है। हम अपने से पहले जनरेशन के दौरान भी अभी भी और अपने अगली जनरेशन में भी वही खड़े हुए हैं कि हम विकासशील हैं। कोई काउंटर क्वेश्चन कर लेता है कि कितने दिन रहेंगे, कब तक विकसित के ब्रैकेट में रहेंगे, मतलब 15-20 साल 10-15 साल लगेंगे, हो जाएगा, तेजी से बढ़ रही है चीजें। और अगर यही हाल रहे तो हम अपने बच्चों हमारे बच्चों के बच्चे भी यही सीख रहे होंगे, तीन तरह के देश होते हैं भारत विकासशील देश। उसकी वजह क्या है? उसकी एक वजह मैं मानता हूं कि हमारे स्कूलों में हम उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट नॉलेज तो दे रहे हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्किल तो दे रहे हैं, लेकिन हम एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट नहीं दे रहे। हम एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट नहीं दे रहे। मैं स्किल की बात नहीं कर रहा हूं, सुबह से कई बार आई होगी ये बात। ये जो कोर्स आप 9th to 12th अपना शुरू करेंगे ये एंटरप्रेन्योरशिप स्किल का नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल का मतलब है कि आप बच्चे को मार्केटिंग प्लान करना सिखाएंगे, आप बच्चे को बिजनेस प्लान बनाना सिखाएंगे, प्रॉफिट कमाना सिखाएंगे, एक्सेल शीट पे अकाउंटिंग पे काम करना सिखाएंगे। ये सारा एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स है कि आपको व्यापार करना है, आपको अच्छा बिजनेस करना है तो आपको एक्सेल शीट देखना आना चाहिए, आपको एक्सेल शीट में कंपेरिजन करना आना चाहिए, आपको मार्केटिंग प्लान बनाना आना चाहिए, आपको बिजनेस डेवलपमेंट प्लान बनाना आना चाहिए। ये सब स्किल्स है। मैं बात कर रहा हूं माइंडसेट, इसीलिए हमने जानबूझ के इसका नाम रखा एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट। एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम नहीं, स्किल करिकुलम नहीं। हम पूरे 4 साल में कहीं बात नहीं करेंगे कि जाके अंग्रेजी बोलना अच्छा सीखो, मार्केटिंग अच्छी सीखो, ये सीखो वो सीखो, हम कोई ऐसी वो नहीं देंगे। हम कहते हैं माइंडसेट बनाओ। नवीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे का माइंडसेट एंटरप्रेन्योरशिप का हो जाए, उसका मतलब ये है अभी जब हम जाते हैं सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में भी जाता हूं, तो हमें एक ही चीज सुनने को मिलती है। मैं बच्चों से पूछता हूं, आप में से कई के स्कूलों में आया होगा, कि बताइए जरा आप में से नौकरी कौन कौन करेगा। 99% बच्चे हाथ उठा के कहते हैं कि हम नौकरी करना चाहते हैं। हर स्कूल में 4, 6, 10 बच्चे खड़े होते हैं मुश्किल से 2-3 हजार बच्चों में से, जो कहते हैं हाँ जी मेरा कुछ और मन है करने का। सवाल यह है कि अगर 2.5 लाख बच्चे अभी हमारे साथ हर साल 12वीं क्लास करके पास निकलते हैं, अगर 2.5 लाख बच्चे हर साल इस माइंडसेट के साथ निकलेंगे कि मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी करनी है, तो नौकरी देने वाले लोग कहां से आएंगे, नौकरियां कहां से आएंगे, नौकरियां कौन बनाएगा, नौकरियां कौन पैदा करेगा अगर सिर्फ हम जॉब सीकर्स पैदा करेंगे। तो इसलिए एक पर्पज एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट का यह है, एक पर्पज मैं बोल रहा हूं कि बच्चा 12वीं क्लास करके जब निकले तो उसके मन में एक क्लैरिटी हो कि जीने के 2 तरीके हैं, एक है नौकरी करना, एक है अपना कोई काम करना। नौकरी करने को लेकर उसके अंदर कुछ कुछ कॉन्फिडेंस बनता है, मुझे मैथमेटिक्स अच्छा आ गया, मुझे कॉमर्स अच्छी आ गई, मैं CA या ये बन सकता हूँ, मेरे को फिजिक्स अच्छी आ गई, मैं साइंस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जा सकता हूँ, मुझे आर्ट अच्छी आ गई, मैं इसमें जा सकता हूँ, उसके अंदर कुछ कुछ कॉन्फिडेंस बनता है। अपना काम करने की जब बात करते हैं तो उसके अंदर तमाम क्वेश्चन आ जाते हैं कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मेरे घर में तो किसी ने बिजनेस नहीं किया। हम ये नहीं कहेंगे कि सारे बच्चे जाके बिजनेस करने लगेंगे, बिल्कुल नहीं। एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट, उसके अंदर इस बात की स्वीकृति होगा कि मैं चाहूं तो नौकरी कर सकता हूं और मैं चाहूं तो अपना काम भी कर सकता हूं, मेरे अंदर माइंडसेट है, मेरे कॉन्फिडेंस है। उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो डरे ना। और अगर वो नौकरी भी करे तो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के साथ, अगर वो IAS भी बने, कल किसी ने बोला यार कि अगर वो IAS अधिकारी भी बने तो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के साथ बने, ताकि किसी जिले का कलेक्टर बन के बैठे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कल को बन के बैठे, एजुकेशन डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बन के बैठे, सेक्रेटरी बन के बैठे, कैबिनेट में सेक्रेटरी बन के बैठे कल देश का, उसका एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट होना चाहिए। अगर एक IAS का माइंडसेट एंटरप्रेन्योरशिप होगा वो डिपार्टमेंट को आगे लेके जाएगा, डिस्ट्रिक्ट को आगे लेके जाएगा। अगर एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट नहीं होगा वही लकीर का वकील बना रहेगा, वही कागज काले करता रहेगा, कोई टीचर जाएगा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से ऊपर उठ के, हमारे यहाँ तो कम से कम उस तरह का नहीं है दिल्ली में, और जिलों में जाके देखो तो सारी मतलब सारी खुदाई सारे विभागों के DM के पास है, नहीं आपके काउंटर पार्ट दूसरे उसमें होंगे, मतलब वहां डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजुकेशन का, उसके ऊपर DM और फिर डिपार्टमेंट आगे और उसके बाद फिर सरकार। तो अगर एंटरप्रेन्योरशिप वाला होगा तो कम से कम नई नई चीजें खोज के लाएगा, टीचर्स को कम परेशानी होगी, स्कूल अच्छे चलेंगे, पुल अच्छे बनेंगे, इंजीनियर अच्छे काम करेंगे, कोई इंजीनियर की नौकरी करेगा,
जिस डिपार्टमेंट को हेड करेगा पीडब्ल्यूडी का किसी जिले का चीफ इंजीनियर बनेगा, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट होगा, नए तरीके से सोच के काम करेगा, हिम्मत से काम करेगा, नया काम करेगा, सिग्नेचर ब्रिज जैसे ब्रिज बनाएगा, मेट्रो जैसी ट्रेन बनाएगा। मेट्रो ट्रेन बिना एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के नहीं बन सकते थे। अगर सामान्य इंजीनियर को आप जाके कहते भाई ये मेट्रो ट्रेन की परिकल्पना है, वो बोलता जी यहाँ तो जगह ही नहीं है सब। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वाला इंजीनियर ना होगा जिसने कहा जी शास्त्री भवन के नीचे से निकाल दूंगा, कनॉट प्लेस के नीचे से निकाल दूंगा, पहाड़गंज के नीचे से निकाल दूंगा, आप लाओ तो सही। बिजनेस नहीं कर रहा था वो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट था जिसने कहा जगह नहीं है ऊपर से निकाल दूंगा, जगह नहीं है नीचे से निकाल दूंगा, आप दो तो सही। ये एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट, नया करने की हिम्मत, नया सोचने की हिम्मत। वरना नया सोचने से डरते हैं बच्चे, नया करने से डरते हैं बच्चे। उनको लगता है मेरे तीन पुस्तों में किसी ने बिजनेस नहीं किया, मैं कैसे कर सकता हूं। और वो डर उसके अंदर ये हालत पैदा कर देता है कि आपके यहां से निकले हुए बेस्ट ब्रेन को अगर कोई ढंग की नौकरी ना मिले पीएचडी करने के बावजूद। और हम सब एग्जाम्पल देखते हैं, दिल्ली पुलिस में अभी नौकरियां निकली चपरासी की, पीएचडी करने वाले बच्चों ने लड़कों ने अप्लाई किया वहां। कौन है ये लोग? उनके अंदर डर है, उनको लगता है सीख तो काफी लिया, इसका इस्तेमाल सिर्फ नौकरी करने में किया जा सकता है, वो भी चाहे चपरासी क्यों ना मिले। अगर उसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट होता, आई वाज जस्ट थिंकिंग वन डे, किसी जर्नलिस्ट ने मुझे पूछा, मैं उनको एग्जाम्पल दे रहा था कि अगर उस एप्लीकेंट के अंदर जिसने पीएचडी की और उसके बाद सोचा दिल्ली पुलिस की चपरासी की नौकरी में अप्लाई कर देता हूं, कहीं कोई जिंदगी में बात बन नहीं रही, अगर एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट होता तो भले ही बैठ के अपने सब्जेक्ट की ट्यूशन पढ़ाने लगता, लेकिन उससे ज्यादा कमा लेता जितना एक चपरासी नौकरी कमाता, और उससे ज्यादा इज्जत से कमा लेता और चार और लोगों को लगा लेता ट्यूशन। आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल। एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट बहुत जरूरी है इसलिए, और ये माइंडसेट ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं बन सकता, ये माइंडसेट पीएचडी लेवल पे नहीं बन सकता। स्किल दिए जा सकते, स्किल देने का काम हो रहा है, आप बीटीयू में जाइए, आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चले जाइए, आप और किसी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में चले जाइए जो बड़े बड़े हैं, वहां पे 5 महीने का 3 महीने का 1 साल का एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स है, एक पेपर है, उस पेपर में उसको सारा बिजनेस प्लान बनाना फलाना ढिंका खूब सिखाया जाता है। लेकिन माइंडसेट नहीं बना सकते उसको, उसके अंदर का डर नहीं निकाल सकते, नया सोचने की हिम्मत पैदा नहीं कर सकते उसके अंदर, वो काम हमको 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। मैं आपके स्कूलों में आता हूँ, वहां बहुत आप सब जानते हैं, कई बार मुझे आप में से आप जैसे टीचर्स ने कहीं से बताया सर ये बच्चे जिनमें से 3 लड़के सब हैं बहुत अच्छे, इनके अंदर ना डर है सर, इनको समझ में आता है लेकिन डर है। वो डर क्या है? उस डर को निकालना पड़ेगा, उस डर से, उस डर को निकालने का काम यह एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट का काम, इस प्रोग्राम का काम। तो इसमें अलग अलग कंपोनेंट हैं, सुबह से आपने देखा होगा, आपको बुकलेट भी दी जाएगी, बुकलेट दी जाती है, अभी बुकलेट भी दी जाएगी। अगेन हैप्पीनेस कैलकुलम की तरह इसका ना कोई एग्जाम है और ना बच्चों को कोई किताब दी जाती है, सिर्फ और सिर्फ एक टीचर्स मैनुअल है। टीचर्स मैनुअल में बार बार इसलिए कहता हूँ, पिछले बार हैप्पीनेस कैलकुलम में भी कहा था, उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि टीचर के पास लिबर्टी होनी चाहिए। आपको 20 यूनिट देने कितने 15 यूनिट है उसमें, 14-15 यूनिट है उसमें। मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ कि 14-15 यूनिट्स में से आप 5 यूनिट भले ही पढ़ा देना लेकिन सिंक करा देना, आपको कोई ये नहीं पूछने वाला आपने 15 क्यों नहीं पढ़ा। लेकिन अगर हम एक किताब आपके हाथ में दें और 40 किताब 40 बच्चों के हाथ में दें तो 40 में से 10 बच्चे तो कम से कम ऐसे निकल जाएंगे कहेंगे देखा सर टीचर ने ना सर ने ना 10 चैप्टर कराए, 5 चैप्टर तो छोड़ ही दिए। इसलिए कोई झंझट नहीं रखा हमने उसका, मतलब ये इसका एक ऑफशूट है, ऐसा पर्पस ज्यादा डेलिबरेट नहीं था, लेकिन उसका एक फायदा ये भी है आपका टीचर मैनुअल है, आपके बाजू वाले क्लास में दूसरे टीचर ने 10 चैप्टर करा दिए, उनकी अपनी स्पीड है काम करने की, लेकिन स्पीड को जज नहीं करते ये ज्यादा अच्छी है वो खराब है, सिंक कर रहे कि नहीं कर रहा। आप उसके 5 यूनिट अगर सिंक करा पाए, आप उसके 6 यूनिट सिंक करा पाए तो 5 और 6 में कोई तुलना नहीं है, अंदर सिंक करा। एक चैप्टर भी अगर आपने उसका सिंक करा दिया ठीक से उसके मन में, एक एक बच्चे के मन में, 40-50 बच्चों के मन में, आपका एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट का क्लिक हो जाएगा। और इसीलिए 4 साल 9th 10th 11th 12th तो ये सिंक कराने का काम आप लोगों को करना है। आपके फिर से मैं कहूंगा किसी इस तरह की किसी ट्रेनिंग से, ये कोई ट्रेनिंग नहीं है, ओरिएंटेशन से,
हम एंटरप्रेन्योरशिप कैसे पढ़ाया जाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा, उसको हम बिल्कुल टीच नहीं कर सकते, ट्रेन नहीं कर सकते, लेकिन आपके और उसके बीच के मिसिंग लिंक को हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। आप सब उस किताब को और ठीक से देख लें, उसमें जो भी सुझाव होंगे उसको अगले साल ठीक करेंगे, उसमें बहुत कमियां हो सकती हैं, बहुत सारे लोगों ने जो कि लोगों ने उसको तैयार किया है। आखिर में मैं आप सबसे एक बार चीज पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी 3-4 घंटे के लिए ऑरिएंटेशन हो गई है, आज इस हाउस की क्या समझ बनी है एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम को लेके, क्या आप लेके जा रहे हैं, अगर उस पर थोड़ी सी रोशनी वन लाइनर्स में डाल सकते हैं। अभी किसी ने बोला ना बात तो है, और वो बात क्या है, अभी आपसे कोई पूछे भी एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम है क्या, सरकार क्या लेके आई है, इफ यू कैन लेट मी नो कि क्या पहुंच रहा है और हम क्या लेके जा सकते हैं, या कोई नई चीज जो हो सकता है मेरे समझ में ना। ये प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया है, वास्तव में बहुत बढ़िया है, परंतु इसमें हम शायद ये चाहते हैं कि एक क्लास में अगर 80 स्टूडेंट बैठा है तो हमारे लिए वो एक्टिविटी 80 स्टूडेंट्स में नहीं हो पाएगी, इसलिए क्लास साइज कम किया जाए ताकि ये वास्तव में जिस पर्पज से लाया गया है वो पर्पज हासिल हो सके। सही बात है, हालांकि आप सबको भी आइडिया है ही, पर कहीं दोहराने की जरूरत नहीं है। 4 साल पहले दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में जनरल एससीआर जो था, स्टूडेंट क्लासरूम रेशो, वो था 66। हालांकि 66 एवरेज था, मैं ऐसे क्लासरूम्स में भी गया था जहां 174 बच्चे तक बैठते थे, और मैं कम से कम 100 मरतबा ये बात कही है कि 174 बच्चे जिस रजिस्टर में नाम लिख रखे हों उसके क्लासरूम में भगवान भी उनको खड़ा करके दिखा दे, बैठना पढ़ाना तो बहुत बात की बात है, मुझे बता दे भगवान भी अगर खड़ा करके दिखा दे 174 बच्चों को उस क्लासरूम में पढ़ाना तो बहुत बात की बात है। इसीलिए सबसे पहले फोकस क्लासरूम पे किया, 8,000 क्लासरूम बने हैं, 13,000 और बन रहे हैं। अभी जो मुझे सूचना दी गई कि 8,000 क्लासरूम बनने के बाद ये एससीआर हमारा 46 आ गया है, 13,000 और बन रहे हैं, नवंबर तक दिसंबर तक बनके तैयार होंगे, इसके बाद 33 आ जाएगा, इसको 20 तक लाना, 20 के एवरेज क्लासरूम में फिर आपके पास 40-50 बच्चे आए हैं, 60 भी ज्यादा है, लेकिन आप सब भी मुझे आइडिया दीजिएगा, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिल्ली एजुकेशन सिस्टम माई प्रॉब्लम इज कि मैं इधर कमरे बनाता हूं आपके स्कूलों में, हाँ जी एक मिनट, समस्या क्या है, मैं खासतौर से हमारे बॉर्डर के स्कूलों में, मैं पिछले बार गया जिस स्कूल में 80-90 बच्चे बैठते थे एक क्लासरूम में, वहां 20 कमरे 30 कमरे नए बन गए। अभी मैं दोबारा गया वहां फिर से 100 बच्चे, मैंने कहा ये क्या हो गया, बोले जी नोएडा सर। अब क्या करें इसे, हमने थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश की, कुछ लोग कोर्ट चले गए, बोले जी पार्टी है हमारे देश के बच्चे, हम ज्यादा रिजेक्ट भी नहीं हो सकते, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज हैं थोड़ा बहुत उसमें जरूरत है करने की, लेकिन थोड़ा इसमें कंस्ट्रेंट्स हैं, बट जस्ट टू शेयर विद यू की कोशिश कर रहे हैं। एनीवेज कोशिश यह है मेरी कि थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप पे अगर बात आ जाए कि एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर अब बढ़िया है, पर क्या हमको इसको लेके जाना है, क्या हम दूसरे को कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप कर, आपकी क्लास लगेगी मतलब 1 तारीख से आप शुरू करेंगे, जब आप क्लास लेना शुरू करेंगे बच्चे भी आपसे पूछेंगे सर ये क्या बला आ गई, एक लाइन में क्या बताएंगे, मैं भी तो समझ लूं। हाँ जी इधर इधर देखिए, हाँ सर इधर, मैं राममूर्ति सिंह कुंवर सिंह नगर स्कूल नांगलोई, इधर है इधर सामने, अच्छा हाँ सामने, अरे बहुत अच्छा लगा आपका प्रयोग जो है ये बहुत ही आवश्यक था और समसामयिक है, इसके संबंध में मैं एक अपने जीवन का अनुभव बताना चाहूंगा जो मेरे बचपन का है। मेरा घर लखनऊ के पास हरदोई में है और वहां पे दिवाली पे हम बच्चे क्या करते थे वो बताना चाहूंगा इस एंटरप्रेन्योर माइंडसेट करिकुलम के संबंध में। मैंने अपने को उतने वर्ष पीछे पाया है और ये हमारा संस्कार था, हम क्या करते थे कि दीपावली पे, दीपावली जिस दिन हो जाती थी दिए जलाते थे, उसके अगले दिन जो मोमबत्तियां लगाते थे तो उनका जो मोम पिघल के बच जाता था, हम बच्चों का समूह उस मोम को तो पहले इकट्ठा करते थे और इकट्ठा करने के बाद उसमें धागा लगा करके फिर से मोमबत्ती बनाते थे, एक काम करते थे, और वो दूसरा जो काम करते थे वो भी बड़ा ऐसा था कि जो दिए जलाते थे तो वो जो दिए उठा लाते थे, कुछ दिए जलते थे कुछ मोमबत्तियां, तो दियों को पानी में गीला करके
और एक सूजे से उनमें छेद करते थे और कई बार कई दिए हमसे टूटते थे तो हमारी माँ हमारी मदद करती थी उसमें छेद करने के लिए। अब वो छेद करने के बाद उन दियों का क्या करते थे, हम बच्चे उनका मिलकर एक तराजू बनाते थे। अब उस तराजू से क्या करते थे कि जो हमारे घर में बर्फी बनती थी, धान की खीर बनती थी या जो मिठाइयाँ होती थी जो हमें खाने को मिलती थी, संक्षेप में, हाँ संक्षेप में सर, उसकी हम लोग एक वो जो है हम अपनी एक दुकान लगाते थे और उसको बेचते थे। किसको? अपने ही घर में, अपने बड़े भाई को, अपने माता को, अपने पिता को, अपने पड़ोसी को, और उससे बड़ा हम आनंद करते थे। तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप के बाद मोमबत्तियों के बचे हुए मोम को इकट्ठा करके नई मोमबत्ती बनाना भी एंटरप्रेन्योरशिप है, और ऐसी मोमबत्ती बनाना जिसमें उसके बाद जलने के बाद मोम बचेगा वो भी बनाना एंटरप्रेन्योरशिप है। और हमें दोनों तरह के बच्चे मिला अपने स्कूलों से, वो मोमबत्ती को ऐसा डिजाइन करें कि उसके बाद उसमें से मोम गिरे ही ना और बचे ही ना, वो भी एंटरप्रेन्योरशिप है। और वो भी एंटरप्रेन्योरशिप है कि फिर भी गिर जाए तो उसको उठा के नई मोमबत्ती बना के मार्केट में बेचते हैं। दोनों चीजें एंटरप्रेन्योरशिप में। मैं फिर से बोल रहा हूँ और जिस बात के लिए मैंने माइक फ्लोट किया था, अगर थोड़ा सा एक सहयोग हो सके एक दूसरे के लर्निंग में और मेरी लर्निंग में, व्हाट वुड माय टीचर से टू स्टूडेंट्स ऑन 1st जुलाई 2019 व्हेन यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस कि भैया एक नया सब्जेक्ट आ गया है एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम, वो बच्चे पूछेंगे कि ये क्या है, क्या बताइए? हेलो, एक मिनट इधर। हाँ जी, हर बच्चा अपने आप में विशिष्ट है, विशिष्ट कर सकता है, और घिसे पिटे ढंग से जो अभी तक नौकरी के पीछे वो भाग रहा था उसके अलावा भी वो बहुत कुछ है, तो नौकरी भी दे सकता है, नौकरी पर नौकरी देने से ज्यादा। अगर आप, मैं आपके टाइम को करेक्ट कर दूं, बच्चा नौकरी के पीछे भाग, आप भी लोग जानते हैं ऐसे, आपके आप हजारों स्टूडेंट्स को निकाल चुके हैं, कुछ ऐसे निकलते हैं जिन जो नौकरियों के पीछे भागते हैं, कुछ ऐसे निकलते हैं जिनके पीछे नौकरियां भागते हैं। आप भी एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम को जो आदमी सक्सेसफुल करके चला जाएगा, नौकरियां उसके पीछे भागेंगी, उसको नौकरी के पीछे भागने की जरूरत पड़ेगी, वो दूसरों को नौकरी दे या वो दूसरों के नौकरी करे, नौकरी उसके पीछे भागे, ये बता सकते हैं बच्चों। और कोई इनपुट? हेलो, हेलो सर, मैं ये कहना चाहता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से आप जैसे बच्चों का डर निकालना चाहते हैं, वैसे टीचर का डर किस तरह निकलेगा, और साथ में ही जो डरा हुआ है वो टीचर होगा, नहीं डरा हुआ नहीं है ना, दोस्ती के हटा देंगे कितनी बात में करूँगा, जैसे कि हमें पहले भी पढ़ते आते आज भी बच्चों को बनाएंगे विकासशील देश, एंटरप्रेन्योरशिप माध्यम से हमारा देश किस प्रकार विकसित होगा इसके बारे में आपकी क्या परिकल्पना? थैंक यू। ठीक, थैंक यू। आदरणीय शिक्षा मंत्री जी, जैसा कि आप एक सेंटेंस में जानना चाह रहे हैं, मैं एक सेंटेंस में बताना चाह रहा हूँ आज के इस कार्यक्रम को, कि हम विद्यार्थी को बताएंगे कि किसी व्यक्ति को खाना देना इतना आवश्यक नहीं है जितना कि स्वयं उसे खाना कमाने की राह पर लगा दें। थैंक यू। मैं कुछ कहना चाहता हूँ किधर से, किस तरफ से? हम अपने बच्चों को माइंड सेट ऐसा करना चाहते हैं, एक दुनिया को देख के जैसे पहले कोई नौकरी के पीछे नहीं भागते थे, हम अपने बच्चों को ऐसा बनाए पूरा पूरी दुनिया के अंदर ऐसे दरवाजे खोले जिससे हमारे बच्चे दे कुछ दुनिया में करके दिखाए। हेलो, आज सर सामने, सर मेरा नाम महेश चंद्र पी के गवर्नमेंट राजनगर एक्सटेंशन जी। सर मेरी नज़र में इस प्रोग्राम का एक ही उद्देश्य है, थिंकिंग स्ट्रेट। हमारे सामने जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको हम समस्या समझ सकते हैं, बच्चे भी इसको समस्या समझ सकते हैं, अगर हम स्ट्रेट थिंकिंग करेंगे तो हमें सोल्यूशन आसानी से मिल जाएगा। तो मेरी नज़र में बच्चों से यही कहना है, बेटा थिंकिंग स्ट्रेट, हमको भी थिंकिंग स्ट्रेट करना है, बच्चों को भी स्ट्रेट थिंक करना है।
सर इधर से आपके इस प्रोग्राम के लिए आपके राइट साइड पर। अच्छा, ये इतने जो आज प्रोग्राम चला बड़ा अच्छा प्रोग्राम लगा है, ये हम जो सीखे हैं इससे, अभी तक हम बच्चों को बताते रहे कि क्या सोचना है आपका, अब हमें बताना पड़ेगा कैसे सोचना है। एक लाइन में हम यही आपको कह सकते हैं कि कैसे सोचे उसके ऊपर जोर देना है, क्या सोचे उसके ऊपर जोर देना। बहुत बढ़िया, ये अच्छा इंटरप्रिटेशन। हेलो सर, सामने मैं सारे फोन नंबर टू से मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत मेरा जो क्लियर हुआ माइंड एक लाइन में, जैसे आपने कहा क्लास में जाते हैं 1 जुलाई को, अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप की क्लास में जाती हूँ, मैं अपने बच्चों से कहूँगी कि आप सभी विक्रम मदन अमर रानी आप सभी बन सकते हैं टाटा और अंबानी, नौकरी देने वाले ना कि नौकरी मांगने वाले। सो एक बड़ा माइंड सेट करके और आज जो भी सीखा उसके लिए धन्यवाद। बहुत बढ़िया। देखिए एक छोटा सा कैवियट इसमें मैं बताऊँ तो मैडम आपने जो बात कही, अगर आप इसको अपने बच्चों के सामने सिर्फ इस रूप में पेश करेंगे कि आप सरकार चाहती है कि आप बिजनेसमैन बने, इसको हमने पायलट किया, हम चाहते हैं कि बच्चे के अंदर हिम्मत पैदा हो और वो ये भी सोचे कि मैं नौकरी कर लूं या वो ये भी सोचे मैं जॉब अपना काम कर सकता हूं। लेकिन उसने एक बच्ची ने उठ के बोला सर फिर आप अगर आप मुझे बिजनेस सिखाना चाहते हैं तो ये कैरिकुलम मेरे काम का नहीं है। क्यों नहीं है? उसने कहा मैं तो साइंटिस्ट बनना चाहती हूं। सही कह रही हो बच्ची, या उसके अपने भी सपने हो सकते हैं, पायलट बनना चाहते, कुछ भी हो सकता है। आप बिल्कुल भी बिजनेस को बहुत ज्यादा एम्फेसिस मत कीजिए, इसका कोर पर्पस बिजनेस कराना है ही नहीं। बिजनेस भी कर सके, वो खुल के सोच सके कि मैं चाहूं तो बिजनेस कर सकता हूं और चाहूं तो नौकरी कर सकता हूं, दोनों के पास। अभी वो 99% सोचता है मैं नौकरी करूंगा, 1% सोचता है मैं बिजनेस भी कर सकता हूं क्या, और उसके अंदर से आवाज आती नहीं उसकी, वो कह सके कि कर सकता हूं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण उसके सामने रखने की जरूरत पड़ेगी आपको, जो आपके बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम में भी मिल सकते हैं, आप गूगल से उठा लीजिएगा। लास्टली एक दो चीजें और मैं बोल देता हूं आपके बीच, मैंने पहला कहा कि आपको जॉब्स का इशू है लेकिन साथ साथ देश की इकोनॉमी का इशू है। आज इंडिया की इकोनॉमी जॉब सीकर्स इकोनॉमी बन गई है, यहां मुझे एज ए लीडर मैं कह सकता हूं कि आपकी मदद चाहिए, अपने टीचर्स की मदद चाहिए। इंडिया की इकोनॉमी जॉब सीकर्स की इकोनॉमी बन गई, क्यों? क्योंकि हम अपनी सारी मेहनत के बाद भी जो प्रोडक्ट जो एक बच्चा स्कूल से निकल रहा है वो जॉब सीकर माइंडसेट के साथ निकल रहा है, वो बेस्ट ब्रेन निकल रहा है आपके सारी मेहनत से, लेकिन उसका माइंडसेट कहीं ना कहीं जॉब सीकर का है, और उसका नुकसान ये हो रहा है कि वो नौकरी करता है फिर ऐसे देश की कंपनी में जो जॉब प्रोवाइडर की कंपनी है, उसका जॉब प्रोवाइडर अमेरिका में बैठा है, यूरोप में बैठा है, जापान में बैठा है, कहीं और बैठा है। अब जब हमारे यहाँ का बच्चा अमेरिका की कंपनी में नौकरी करेगा, वो अमेरिका जाके करे या बेंगलोर में बैठ के करे, वो बैठ के अमेरिका की कंपनी के लिए प्रोडक्ट बनाएगा, वो प्रोडक्ट जाके अमेरिका में बिके या जापान में, प्रॉफिट किसको मिलेगा? अमेरिका को। इकोनॉमी किसकी बूम करेगी? अमेरिका की। जिस देश में जॉब प्रोवाइडर्स होंगे इकोनॉमी उसकी बूम करेगी। आज हमें बहुत अच्छा लगता है सोचते हुए देखते हुए, हम सब लोग थ्रिल रहते हैं, हम कहते हैं हमारे इस लड़की ने गूगल में इतने का पैकेज ले लिया, इस लड़के ने अमेरिका की इस कंपनी में इतने का पैकेज ले लिया, अच्छा लगता है, ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा अच्छा लगेगा कि आज हमारे लड़के ने ऐसी कंपनी बना ली जिसने जापान में 3 इंजीनियर नौकरी में रख लिए, ऑस्ट्रेलिया में 5 रखे हुए और अमेरिका में 10 रखे, तब देश करो, तब देश की इकोनॉमी बूम करेगी। आज इंडिया के हाथ में आती है सैलरी और हमारे ब्रांड का सारा प्रोडक्ट जो प्रॉफिट प्रोड्यूस करता है वो सारा जाता है अमेरिका, यूरोपियन या उन देशों में जहां की वो कंपनी में नौकरी करता है। तो अगर इंडिया को एक पावरफुल इकोनॉमी बनाना है तो इंडियन माइंडसेट को एंटरप्रेन्योर माइंडसेट बनाना पड़ेगा। जॉब सीकर्स के कंट्री का माइंडसेट पावरफुल इकोनॉमी में ट्रांसलेट नहीं हो सकता, चाहे जितनी मेहनत कर लीजिए, कुल मिला के नौकरी और तनख्वाह में रहेगा। एंटरप्रेन्योरशिप का माइंडसेट, एंटरप्रेन्योर्स का माइंडसेट आगे निकाल के ले जाएगा देश की इकोनॉमी को। उसके बाद आप चाहे पुल बनाइएगा, आपके पास में सरकारों के पास में पैसा होगा, आपके देश के पास पैसा होगा, आपके देश में नौकरियां भी होंगी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। फाइनली दो तीन चीजें और हैं जो इसके कैरिकुलम के संबंध में मुझे कहनी है, वैसे तो
बोल दिया, इसने सपना जी ने बताया होगा, सारा इंट्रोड्यूस किया होगा क्या कार्यक्रम है। इसके मेरी तरफ से तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। एक है आपको और हमको और खासतौर से टीचर्स और एचओएस को मिलके अपने स्कूल के आसपास के सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को ढूंढना पड़ेगा। कोई ऐसा आदमी जो अच्छा खासा अपना काम कर रहा है, दो लोगों को रोजगार दे रहा है, भले ही अपना काम कर रहा है, उसको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, उसका एम्पैनलमेंट करना पड़ेगा, उसको फिर अपने स्कूल में बुला के बच्चों के साथ इंटरेक्ट कराना पड़ेगा, जिसके अंदर अपना कॉन्फिडेंस हो थोड़ा सा, जिसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। कोई आदमी आए और सब आके बच्चों को कह दे साहब दुकान वकान मत चलाना, कोई काम कारोबार मत करना, एक तो समय को ढंग की नौकरी कर लेना, ऐसा आदमी को ढूंढ लेना, भले ही दुकान चलाने वाला हो, ऐसा आदमी हो जो कहे कि मेरे सामने जीने के दो तरीके हैं और मैं जिसमें जी रहा हूँ मैं कॉन्फिडेंस के साथ जी रहा हूँ, मैं अपनी दुकान पे, अपनी फैक्ट्री में, अपने बिजनेस में, अपने सर्विस सेक्टर में 10 लोगों को, 50 लोगों को, 1000 लोगों को नौकरी भी दे रहा हूँ। वैसे लोगों से बच्चों का इंटरेक्शन कराना, और बच्चों को जहां मेरी और आपकी ज्यादा भूमिका है, बच्चों को प्रमोट करना कि जो भी दुनिया भर के सवाल है वो उससे अंतर्प्रण से पूछ सके, उससे पूछ सके खुल के कि भैया डर लगता है, वो बताएगा जी मैंने 10 साल हो गए करते हुए, पहले नौकरी करता था, उससे पूछ सके नौकरी करना ज्यादा आसान था या बिजनेस करना ज्यादा आसान है, फ्रीडम कहाँ पे ज्यादा है, ग्रोथ कहाँ पे ज्यादा है, रिश्वत कहाँ ज्यादा देनी पड़ती है, नौकरी में देनी पड़ती है, नौकरी में भी देनी पड़ती है पता है, इसीलिए मिनिस्टर भी एंटरप्रेन्योर होना चाहिए। तो कहां रिश्वत ज्यादा देनी पड़ती है, ये साथ कहने का मतलब है कि बच्चों को प्रोवोक करें ताकि बच्चे उससे काउंटर क्वेश्चन कर सके, उस एंटरप्रेन्योर से पूछ सके कि भाई तुम्हारे जीवन के अनुभव से हमको कुछ सिखा दो। तो एक तो एंटरप्रेन्योर के साथ इंटरेक्शन, हर क्लास के साथ एक एक एंटरप्रेन्योर का इंटरेक्शन, उनकी लिस्ट बना के उनको लाना ढूंढे ताकि जो बच्चों से बात कर सके, इस तरह के लाना, और इसके बिना ये कार्यक्रम सफल नहीं होगा। दूसरा, 11वीं और 12वीं क्लास के बच्चों के लिए 1,000 रुपए की सीट मनी दे रही है सरकार, उनको ये करने के लिए कि भैया जैसे आपने बोला ना, कहीं से भी कुछ भी बिजनेस का कुछ करो, कोई इन्वेस्ट करो, आमतौर पे लोगों को डर होता है भाई हमारे पास तो पैसा नहीं है, अब सरकार दे रही है 1,000 रुपए का आइडिया पे इन्वेस्ट करो, और एंटरप्रेन्योरशिप में इसमें होता है वो चाहे जाके मार्केट से 500 रुपए की कॉपी खरीद के 600 रुपए में नहीं बेच पाए, पेन खरीद के बेच के आए, दिवाली के समय पे मोमबत्ती बेच के आए, जो भी करके आए, लेकिन लेकिन वो उस इन्वेस्टमेंट का कहीं इस्तेमाल करो। एंड प्लीज, आज बोर्ड के द्वारा हो सकता है ऊपर से नीचे से आने वाले निर्देशों में कुछ कंफ्यूजन हो, 1,000 रुपए जब आप अपने बच्चे को दे रहे हैं तो ये मान के दीजिए कि अपने बच्चे को लर्निंग के लिए दे रहे हैं, वो हो सकता है 800 इन्वेस्ट करें तो 800 रुपए वापस आए, तैयार रहिएगा लॉस के लिए, कोई झंझट नहीं है सरकार को। अपने बच्चे को अगर कुछ रिस्क लेने सिखा रहे तो 1,000 रुपए देंगे, जरा मार्केट में घूम के आए, कुछ खरीद बेच के आए, करके देख के आएगा, भुट्टे बेच के आए, जो मर्जी करके आए, इकट्ठा करें, 40 बच्चे इकट्ठे होकर करें 40,000 रुपए का, एक बच्चा अकेले अकेले करें, मर्जी है बच्चों को छोड़ो, आप अपना प्लान बनाओ, टीचर्स की गाइडेंस से प्लान बनाओ, लेकिन ये जरूरी है। और तीसरा, तो 1,000 रुपए का सीट मनी 10वीं 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए, और एंटरप्रेन्योरशिप के साथ में बातचीत, एंटरप्रेन्योर्स के साथ 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 एक जो प्रोजेक्ट इसमें डिजाइन किया है वो महत्वपूर्ण है, मैं क्लैरिटी कर देता हूँ कि हर बच्चे को हम कोशिश करेंगे कि वो अपने जीवन में अपने आसपास से जुड़े हुए ऐसे 5 लोगों, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, पड़ोसियों में, जो 5 लोग अपना काम करते हैं, जो 5 लोग नौकरी करते हैं, उन 5ों से कुछ सवाल पूछें, उनसे समझें कि नौकरी करने के क्या फायदे नुकसान है, बिजनेस करने के क्या फायदे नुकसान है, क्या अप्स एंड डाउन है, कितनी सेंस ऑफ सिक्योरिटी कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है, ग्रोथ के चांसेस कहाँ ज्यादा है, ये सारे सवाल बच्चे अपने मन से अपने लोगों से पूछे। ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं बोला, मुझे बताया गया कि पायलट स्कूल कुछ हुए थे ना, इसमें भी पायलट स्कूल के लोग हैं, जहाँ एंटरप्रेन्योरशिप का कार्यक्रम पायलट किया गया, आप क्या पायलट हुआ, ठीक है पायलट हुआ था, ठीक है, अच्छा, तो हमारे जो आपके कार्यक्रम के ऊपर केवल 2 पंक्ति में ही मैं बता दूं, एक सर एक सर एक से मिनट अभी उधर से भी आया, ये जो अभी आ रहा है ना जी, आपका कार्यक्रम ये मनीष सिसोदिया का कार्यक्रम है, देश के लिए जरूरी, दिल्ली के लिए जरूरी, जब तक आप इसको आपका कार्यक्रम बताते रहेंगे आपका ही कार्यक्रम रहेगा, हमारा कार्यक्रम, हाँ, थैंक यू। हमें एक बात सीखी है कि करा देगा जो बच्चे की खुद से मुलाकात है, करा देगा जो बच्चे की खुद से मुलाकात है, एंटरप्रेन्योरशिप की यही बात। अरे सर, मैं स्लोगन आ गया, सर
सर मैं आपके लेफ्ट हैंड साइड में वहीं जरूरी बात कंटिन्यू करनी है। हाँ जी सर। सर 224 स्कूलों में से एक स्कूल में मैं PDC के रूप में वर्क कर रहा हूँ। अच्छा। और एक बात कहना चाहता हूँ, सभी को शेयर करना चाहता हूँ, मैं आपके लेफ्ट हैंड साइड में हूँ। एक CEO थे कंपनी के और कार में जा रहे थे, तो उनकी कार रास्ते में एक जगह पंचर हो गई, तो उन्होंने चारों जो टायर के नट थे वो निकाले और फिर वो उस टपरी लगाने लगे। सामने एक पागलखाना था सर, सामने एक पागलखाना था, तो पागलखाने में से एक पागल जोर जोर से चिल्ला रहा था और उस CEO को डिस्टर्ब कर रहा था बार बार कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, वो इस तरह से आवाजें कर रहा था। और CEO साहब जो थे वो थोड़े डिस्टर्ब हो रहे थे, तो क्या हुआ कि इतनी देर में उनको भूले कि नट मैंने कहाँ रखे हैं, जो भैया पहनता था उसके नट कहाँ रखे हैं, तो नट में कैसे लगाऊं। तो पागल ने बोला भाई क्या बात है, क्या दिक्कत है भाई, कि मेरे नट हो गए, मैं पहले से परेशान हूँ, तुम तो पागल खाने के पागल हो, ज़्यादा बात मत करो, तो मुझे मिल नहीं रहे, बड़ी मुश्किल हो गई है। तो पागल ने उनको कहा कि भाई ऐसा है, तुम्हारे पास बाकी 3 व्हील है, 3 व्हीलों में 4-4 नट है, एक एक नट लो और स्टेपनी में जो लगाई है उसमें लगा लो, यानी कि हर व्हील में से एक एक नट लो और उसमें लगा लो और तुम्हारा काम चल जाएगा, अगले चौराहे पर जाकर वो नट को पूरा करवा लेना, काम तुम्हारा चल सकता है। CEO साहब को ये बात बहुत पसंद आई, उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, यानी कि उन्होंने पागल से पूछा भाई ये बता, मैं तो इतना सब जानता हूँ, तुम तो पागल हो, तुम्हारे दिमाग में ये आइडिया कैसे आया। तो पागल ने ये बात बोली कि सर पागल है बावले नहीं। तो मैं कह रहा हूँ मैंने मीनिंगफुल वे में सर आपकी बात कही है, सब लोगों को सोसाइटी में कही है कि हम शायद कहीं ना कहीं, आज के संबंध में कहना चाहता हूँ, हम शायद कहीं ना कहीं पढ़े लिखे बावले बन रहे हैं। और जो चाहे एंटरप्रेन्योरशिप में हम चाहे बिजनेस, आपने पूछा कि एस्पेक्ट क्या हो सकता है सर, एस्पेक्ट ये है कि चाहे हम एंटरप्रेन्योरशिप से अपना कोई ना कोई काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर मैं नौकरी कर रहा हूँ और मुझे घर के लिए कोई फर्नीचर बनाना है, अपनी बेटी के लिए स्टडी टेबल लेना है, तो मैं अंदाजा लगा सकता हूँ अगर स्टडी टेबल मैं फर्नीचर की शॉप से ना लूँ और उसको किस तरह से मैं एक मिस्त्री का यूज करूँ और किस तरह से मैं प्रोडक्ट लेकर बनाऊँ कितना अच्छा बन सकता है, ये भी सर एंटरप्रेन्योरशिप है और एंटरप्रेन्योरशिप कंज्यूमर तक जाता है। और एंटरप्रेन्योरशिप में ये कहता हूँ जो कुछ आप सब कर रहे हैं, जो कुछ मैंने हैप्पीनेस में देखा, इस सबका मतलब ये है कि आप चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि हम रट्टा पाई जो परंपरा से चली आ रही है, तू खड़ा और पढ़ हम पढ़ते आ रहे हैं, उसको खत्म करके हम जो उनसे इनोवेटिव बने, हम जो उनसे लॉजिकल बने, हम थिंकिंग शुरू करें, बात शुरू करें, और ये बात शुरू करना ही पढ़ाई है। जो साथी मेरे सोचते हैं कि शायद हम पर बहुत सारा भार है, तो मैं सर की तरफ से साइड लेकर कहना चाहता हूँ कि जब हम इनोवेशन शुरू करेंगे, हम बातचीत शुरू करेंगे, एक्टिविटीज को शुरू करेंगे, बच्चों से बोलना शुरू करेंगे, बातचीत शुरू करेंगे, तो देखना हमारा काम पहले से ज़्यादा सरल हो जाएगा। हमारा विद्यालय प्रोजेक्ट पायलट के रूप में चला है, 24 विद्यालयों में कार्यक्रम था। ये पायलट वाला जो है ना, अप्रैल के महीने में जितना भी अभी प्रयोग आपको ये बुक दी गई है, इसका ट्रैक किया गया था, कुछ स्कूलों में 26 स्कूलों में किया गया था। साथियों मैं कहना ये चाहता हूँ, शुरू में कोई भी चीज़ नहीं आती है तो थोड़ा हमें हवा लगता है, लेकिन अगर हम दिल से जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि उसके रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छे हैं। हमारे विद्यालय में जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ हमें भी लगा कि ये क्या है, क्या कर पाएंगे, लेकिन अच्छे साथियों का मार्गदर्शन, अच्छे विद्यालय के अच्छे साथियों की टीम, हमारे HOS का साथ और हम सबकी इच्छा शक्ति, दरअसल ये भाव ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है कि हम कर सकते हैं, हमारे बच्चे कर सकते हैं, हम करा सकते हैं, और ये कोई काम हमारे ऊपर थोपा हुआ नहीं है, ये हमारा अपना काम है, और हम जब इस भाव से जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छे परिणाम आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो कार्यक्रम लॉन्च हो रहा है ये आगे चल करके मील का पत्थर साबित होगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। आज आपको ये नया लग रहा है, मैं अपने विद्यालय का बताना चाहूँगा तजुर्बा, शुरू शुरू में हमारे बच्चों की थोड़ा रुचि नहीं दिखाई, लेकिन हम बच्चों के साथ सहज रूप में जुड़े, मित्रवत उनके साथ व्यवहार किया, तो वो बच्चे धीरे धीरे, शुरू में देखो उनको सारे नहीं जुड़े, धीरे धीरे जुड़े। तो उसके लिए सबसे जरूरी आपका व्यापार, बच्चों के साथ आपकी कनेक्टिविटी कितनी, अगर आप जितना ज़्यादा कनेक्ट होंगे तो उतने ज़्यादा ही बच्चे आपके करीब आएंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आपको योगदान देंगे। चलिए, तो आपकी इच्छा शक्ति इसमें महत्वपूर्ण, धन्यवाद। सो थैंक यू वेरी मच, अच्छा सबका फीडबैक। एक लास्ट, प्लीज लास्ट, उसके बाद सामने से बैठ, सामने सामने सामने, मैं उत्तम सिंह। हाँ जी, PTD इंग्लिश उत्तम सिंह फ्रॉम राजनगर फर्स्ट। सर मुझे ये प्रयास जो है बहुत अच्छा लगा, अच्छा मुझे इस सेंस में लगा ये प्रयास
हम कम से कम एक शुरुआत कर रहे हैं। नाइन्थ से और ट्वेल्थ तक का बच्चा अपने एक पहले स्टेप को पार करके जीवन के लिए बाहर निकलता है, और जब लाइफ के लिए बाहर निकलता है तो उसके सामने बहुत सारे जो है चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। उससे पहले हम उसे सिर्फ थ्योरी का नॉलेज देके तैयार तो कर देते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, जो उसका फियर हमें बाहर करना है, जो कॉन्फिडेंस लेवल उसको बढ़ाना है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर डेवलप करना है, और क्या आसपास हो रहा है उसके बारे में सोचने के लिए उसको मजबूर करना है, ये बहुत सारी जो चीजें जो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं होती है और वो नहीं छुई जाती, वो शायद 4 साल में छुई जाएगी, और वो बच्चा अपने आप को एक बहुत कामयाब बच्चा समझेगा और जरूर कामयाब होगा। ट्वेल्थ के बाद जब 4 साल में इंटरेक्ट करेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे, उसको इंस्पायर करेंगे, उसको बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल देंगे, उसको स्टोरी देंगे, तो ऐसी नौकरी के पीछे नहीं भागेगा, वो हजारों को नौकरी देगा और इस देश को कहीं से कहीं पहुंचाएगा। ये प्रयास सराहनीय है और होना चाहिए और बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू। लास्ट मैडम एक लड़की अभी कहाँ गए? मैम एक ओके, आपने ऑब्जर्व किया था। हाँ जी, क्विकली क्विकली क्विकली, और उसके बाद लास्ट फ्लो मैम। मैं पूनम यादव, गवर्नमेंट पॉइंट सेकेंडरी से थे, सेक्टर 22 स्कूल के वाइस प्रिंसिपल। हमारा स्कूल पायलट प्रोजेक्ट था और हमारा स्कूल में ये प्रोग्राम पूरे कपल से 10 महीने तक सफलतापूर्वक चला। मैं इसे सफल इसलिए कहूँगी क्योंकि इस प्रोग्राम के माध्यम से हम बच्चों में एक आत्मविश्वास बन पाए, बच्चों में ये उन्हें एहसास दिला पाए कि उनके अंदर जो प्रतिभा है, अपने डर को पर काबू करता है, वो अपने उस प्रतिभा को पहचानने में हम उनकी वो पहचान पाए, मदद कर पाए और बच्चे खुलकर सामने आए और उनमें ये आत्मविश्वास हुआ कि हाँ मुझ में ये प्रतिभा है, मैं कर सकता हूँ। मैं क्या 12th class के बच्चे का उदाहरण देना चाहूँगी कि वो बच्चा लास्ट बेंच में बैठता था, पूरे अपने एजुकेशन करियर में वो कभी क्लास में बहुत ज़्यादा नहीं बोलता था, लेकिन इस एक्टिविटी के माध्यम से उस बच्चे में इतना आत्मविश्वास आया कि उस बच्चे ने ना केवल अपनी क्लास में पूरी एक्टिविटी का संचालन किया बल्कि मॉर्निंग असेंबली में अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। तो जो बच्चा कभी क्लास में नहीं बोला वो मॉर्निंग असेंबली में खड़े होकर बोल पाया और कह पाया कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझ में काबिलियत है। थैंक यू। थैंक यू। लास्ट माइक थोड़ा पास करो। आप सबके साथ साझा कर रही हूँ मैं आज अपना अवलोकन और साझा करती हूँ अपने संबोधन। सर्वोदय विद्यालय बी4 पश्चिम बिहार में HH श्री GN देवलाल जी का मिला साथ, EMC कोऑर्डिनेटर मिसेस विजय लक्ष्मी और EMC टीम का फिर हम मिलाया हाथ और EMC की पायलट टीम का उड़ चला जहाज और इस तरह हुआ EMC की पायलट टीम का आगाज। एक संशय था सभी बच्चों के मन में, टीचर्स के मन में कि EMC का पीरियड रोज लगाएंगे तो सिलेबस का क्या होगा, हमारे कंटेंट का क्या होगा, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन ये रही कि 12th बी सेक्शन में साइंस सेक्शन में मिसेस अलका जी का पीरियड चल रहा था और बच्चों ने एक 7 मिनट चैलेंज में टावर बनाया और उस टावर को बनाते समय जब ऑब्जर्वेशन फीडबैक लिए गए तो बच्चों ने ये कहा क्योंकि हमने फिजिक्स में एक प्रिंसिपल पढ़ा था कि अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सेंटर ऑफ मास के साथ अलाइनमेंट कर दिया जाए तो हम कोई भी बड़े से बड़ा टावर बना सकते हैं। तो ये एक ऑब्जर्वेशन थी कि हमारे बच्चे अन्य सब्जेक्ट के साथ इस EMC के कंटेंट का सामंजस्य अपने आप ही बना लेंगे, बशर्ते कि हम सही तरह से उसका आगाज करें, उसे कक्षाओं में चलाएं और बच्चों की प्रतिभा अपने आप विकसित हो। ऐसा ही परिवर्तन टीचर्स में भी देखने को मिला और ऐसा ही परिवर्तन बच्चों में। थैंक यू मैम। लास्ट में एक जो ये 2-3 एग्जाम्पल आए उसका एक एनेक्डोटल मुझे ऐसे ध्यान आया। आप सब लोग आप में से देखी होगी 3 इडियट फिल्म देखी है? टीचर्स बताते हो शर्माते बेटा आप लोग इतने जोर से बोलते हो तो बोले हम बच्चों वाले काम नहीं करेंगे। 3 इडियट देखी है कि नहीं देखी है? थोड़ा बच्चों की तरह खुल के बताओ। 3 इडियट फिल्म में सारे के सारे वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं, उसमें से एक स्टूडेंट उन्होंने दिखाया सेम इंजीनियरिंग क्लास का स्टूडेंट जिसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है वो जो कैरेक्टर है उसमें और बाकी में जो अंतर है वही एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है।
उसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट कुछ नहीं है, उसको आप एस्टेब्लिश करें। फिर देखते हुए आपको जरूर लगा होगा काश हम अपने बच्चों में ला सकते, आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है, और अपॉर्चुनिटी नहीं कहूंगा, सरकार ने आपकी ऑफिशियल ड्यूटी लगाई है कि लाइए एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट। उस बिल को देख के जिस जिसके मन में लगाओ कि काश हम भी ऐसी पढ़ाई लेके आ सकते, आज आपके पास अवसर है ऐसी पढ़ाई लेके आने का। थैंक यू वेरी मच, शुभकामनाएं, आइए मिलके देश को एक प्रश्न में ले जाते हैं।